जलेबी, वाह राजी साहब आपने घर पे रेस्टोरेंट बना लिया है। और बेटा साफ हो गया? जी जी बढ़िया से एकदम साफ उफ कर लिया। भाई लीजिए, हमारी बेगम ने आपके लिए गर्मा गर्म जलेबी बनाई है। ये आपका बड़प्पन है कि आपको हम लोग का फिक्र है, हम यहाँ पर रुक के खा लेंगे। लेकिन क्या है ना कि अभी हमको मैडम सर का फोन आया था, महिला पुलिस थाना में वो अफ्तार का आयोजन की है और वो चाहती है कि आप भी हम लोग के साथ चले और वहीं पर चल के रोजा खोले। तो ये पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट है, अगर आप हम लोग के साथ चले तो। इफ्तारी की तैयारी तो हमने घर में भी की है ना। अरे भाई पुलिस वालों का इन्विटेशन है, टाल भी तो नहीं सकते, जाना पड़ेगा भाई। चलेंगे, आएंगे भाई, जरूर आएंगे, आप लोग बुलाएं और हम ना आए। चल चलिए ये पार्सल, नहीं ठीक है ये बटरफ्लाई ही लेके जाते हैं। थैंक यू। हाँ हाँ संभाल के रखिएगा, वो चीता कहाँ रहे? आ गए सुरेंद्र चा, आ गए। सिर्फ जबान चला रहे हो, हाथ नहीं चलाओगे? सब आते ही होंगे, अभी देख लो सब आते। क्या आ गए हैं अब्दुल जी, हटो हटो, रास्ता तो अब्दुल साहब के लिए। अब्दुल साहब आइए, कम 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 कम, वेलकम अब्दुल साहब, इस पे बैठिए। चीते पता लगा लिया राशिद जी कहाँ हैं? हाँ मैडम सर, आ ही रहे रास्ते में। अरे इकबाल साहब आइए। राशिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। और कैसी है तबीयत आपकी? अब ठीक है जी। आप लोग हमारे इस सेलिब्रेशन में हमारे साथ शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। S.H.O हसीना मलिक का बुलावा है, आना तो पड़ेगा ही भाई। जी शुरू कीजिए। हाँ शुरू कीजिए। ए वो पनीर ला, पनीर खजूर से शुरू कर। खजूर वैसे आप ही का जिक्र हो रहा था पूरे टेबल पे। अच्छा जी, हमारा जिक्र हो रहा था। जी 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 जी, क्या जिक्र हो रहा था भाई? अरे भाई यही कि आपके जैसा शायर पूरे लखनऊ में नहीं मौजूद। ये तो हाँ हाँ, लेकिन अब्दुल जी भी कम नहीं है। हाँ हसीना जी भाई मान गए, लेकिन इकबाल साहब से बेहतर नहीं है अब्दुल साहब। लेकिन लेकिन सुरेंद्र चा, ये बात अभी सिद्ध कहा हुआ है कि दोनों में से बेहतर कौन है? तो साबित कर देते हैं। हाँ सच में, हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी का, क्या अब्दुल में? अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे भाई अब्दुल साहब की तबीयत नासाज है, आप मुकाबले की बात कर रहे हैं, ये तो गलत। नहीं रहने दीजिए। हम ऐसे कैसे जाने दे, आपके हुनर का नमूना सब देख लेंगे और किसी को भी थोड़ा भी डाउट होगा ना वो भी क्लियर हो जाएगा। क्या कहते हैं? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। जी हाँ, तो ख्वातीन और हजरात आज की शाम शायरी के लिए, क्योंकि आज हमारे बीच मौजूद हैं दो बहुत ही उम्दा शायर, एक जो कि गुमनाम है और दूसरे जिनका नाम कहने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वो अपने आप में इतने मशहूर। तो प्लीज तालियों के साथ स्वागत कीजिए अब्दुल जी और राशिद इकबाल राशिद जी का। और इस मुकाबले को जज करेंगे नवाब साहब। मैं दरख्वास्त करूंगी राशिद जी से कि वो यहाँ आए और इस मुकाबले को शुरू करें। अरे नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात हुई नहीं थी, मुशायरे की तो कोई बात ही नहीं हुई थी भाई, ये नहीं हो सकता। क्या बात कर रहे हैं राशिद, आपको पान चाहिए? ऐ बदनाम पान दो इनको। हाँ, पान दे दे। सुरेंद्र चा, सुरेंद्र चा, संतोष, संतोष जी कहाँ है? हम साइबर कैफे भेजे हैं उन्हें, हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके गांव भेजने थे। बताइए संतोष जी कहाँ? अरे ये सब एकदम से अचानक से हो गया है ना, और आप तो जहाँ बैठ जाते हैं महफिल तो वहीं जम जाती है। हाँ दीजिए महफिल। हाँ हाँ, ये कोई बात नहीं हुई करिश्मा जी, बात मुकाबले की है और उसमें तैयारी करना पड़ती है और हमने कोई तैयारी नहीं की है इसलिए ये हम नहीं कर सकते। मैडम हम सुनो, अर्ज किया है, मैं नींद बनूं तुम मेरा ख्वाब बन जाओ, मैं नींद बनूं तुम मेरा ख्वाब बन जाओ, इन सर्द रातों में मेरा लिखाव बन जाओ। क्या बात है, मैं कैद में हूं अब तक तेरी जुदाई के गम में, जो मैं कैदी बनूं तुम मेरी रिहाई बन जाओ।
बहुत खूब बहुत खूब। राशिद जी अब तो आ ही जाइए। राशिद साहब बोलिए बोलिए। तो अर्ज है जी। यूं ही नहीं गहरे हुए ताल्लुकात मुख्तार सुहा, यूं ही नहीं गहरे हुए ताल्लुकात मुख्तार से। वाह, ये तो दर्द दिल है, जज्बात है सारा। वाह 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 भाई वाह जी। अब्दुल जी अब आपकी तरफ से। सब उनमें से नहीं होते जो मोहब्बत को इज्जत देते हैं। वो इज्जत ही क्या जो मोहब्बत के साथ ना चले। लेकिन रशीद साहब तो कुछ बोल जी कुछ बोल नहीं रहे। कोई बात नहीं, अब्दुल जी सुना देंगे, आ जाइए। मैं आखिरी शेर से इस खूबसूरत मुशायरे की शाम खत्म करना चाहता हूं। जी जी जी। अर्ज किया अपने दिल के बयास पर तुम्हें हर रोज लिखता हूं, कुछ मुख्तसर तो कुछ तवील फसाने लिखता हूं। वो हर एक पल जो हमने साथ गुजारा उस एक पल का हिसाब में रखता हूं। रंगे बहार का मौसम तो है आमे दरमियां, तल्ख हकीकतों को भी शुमार रखता हूं। तो क्या हुआ वो दर्द था जो तुमसे मिला था, वो तुमसे मिला था इसलिए अजीज रखता हूं। तो आज की जो शाम थी बड़ी खूबसूरत और हसीन थी, और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो मुशायरा हुआ इसका जो मुकाबला हुआ उसको अब्दुल जी ने बहुत शानदार तरीके से जीत लिया। क्या बात है क्या बात है। मुझे एक बात की बड़ी हैरानी है कि राशिद भाई आपने अपना शेर सही ढंग से नहीं पढ़ा। नवाब साहब ये बेचारे पढ़ तो तब पाएंगे ना जब ये खुद शेर शायरी लिखना जानते होंगे या खुद का कुछ लिख कर रखा होगा। और ये बेचारे जितना पढ़ पाए वो भी उतना ही पढ़ पाए जितना हम लिख कर दिखा पाए। ये देखिए, हॉल विदा कुवत है रे, धोखा रे, तुम जो है शेर पढ़ते हो वो भी देख के, शर्म नहीं आती तुमको? बहुत हो गया हा? अब हम यहाँ पे एक मिनट भी रुकेंगे। चलो बेगम। अरे राशिद साहब, राशिद जी आज भी धोखा दिया। राशिद हम तो दोस्त थे ना यार, फिर बताना आज तक क्यों किया तूने ऐसा। राशिद बताना आज क्यों किया। राशिद बताइए। राशिद साहब, राशिद साहब बोलिए। क्योंकि मैं इससे जलता था, इसकी काबिलियत से, इसके हुनर से, क्योंकि हर मामले में मुझसे ये आगे था। लेकिन एक बार मैं सिर्फ इससे जीतना चाहता था, जीतना। ये क्या बोल रहे हैं आप कि ये सच है? राशिद
दोस्ती में जीत हार नहीं होती यार। अरे एक बार बोल दिया होता मुझसे, पाक परवर दिगारे आलम की कसम, अपना शेर, अपनी नजम, अपना प्यार, सब कुछ निछावर कर देता तुझे। अरे पीठ में छुरा घोंपने की क्या जरूरत थी यार। मेरी जलन जो थी ना वो इतनी बढ़ गई थी कि मैं तुझे हमेशा हराना चाहता था। शहनाज के जो शेर थे उससे मैंने अपनी दिल की बात शहनाज से की और शहनाज को मैंने अपना बना लिया, और तेरे हिस्से का जो प्यार था मैंने अपनी झोली में डाल लिया। इसका मतलब वो लव लेटर और शायरी अब्दुल ने लिखी थी। जिस प्यार को मैंने इतना महफूज रखा था तो वो सब झूठ था राशिद। प्लीज प्लीज आप संभालिए अपने आप को। अब्दुल जी, हम पहले से ही जानते थे कि आप सही हैं, लेकिन लोगों को यकीन दिलाने के लिए आपका हुनर सामने आना जरूरी था। इसलिए हमने जो है ये नाटक किया था ताकि हमें ये पता चल जाए कि असली चोर कौन है और असली शायर कौन है। एग्जैक्टली। और राशिद जी, झूठ के पांव कभी भी ज्यादा देर तक टिकते नहीं, इसलिए आपने खुद ब खुद अपना सच उगल दिया। अब्दुल जी, सालों पहले आपके साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, और इस तरह की हरकतें, इस तरह की धोखेबाजी न जाने कितने कलाकारों के साथ होती है। इसीलिए संविधान में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक अलग से प्रोविजन बनाया गया है ताकि इस तरह के हादसे दोबारा ना हो। बहुत सालों में बहुत कुछ बदल गया अब्दुल जी, आप किसी दिन फुर्सत में आइए, आपको फुर्सत में समझाएं। मैं माफी मांगना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे माफ कर सकती? मेरे दोस्त, तू मुझे माफ कर सकता है क्या? और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, इतना कुछ किया आप लोग ने मेरे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और राशिद, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ यही मेरे लिए काफी है। और शहनाज, इसे माफ कर दो, देखो उसने सबके सामने माफी मांगा है। हसीना जी, आपके बारे में, आपकी पूरी टीम के बारे में बहुत कुछ सुना है, इसके लिए एक सलूट तो बनता है। संभाल के जाना, आपकी ट्रेन का टाइम हो गया। बेटा, लेकिन जिस काम के लिए मैं यहाँ आया था ना, वो काम पूरा नहीं हो पाया है मेरा। क्या सुरेंद्र चचा? रास्ता में खाने के लिए आपके लिए टिफिन लेकर आए हैं, लीजिए लीजिए, ई लीजिए, पानी पानी का बोतल है, ये लीजिए, खाना खाइएगा ना, उसके बाद मुँह पोछ लीजिएगा। मुखवास, मुखवास है एकदम, इससे सब एसिडिटी का गोलियां, इसमें चश्मा, इसमें सब दे दीजिएगा संतु जी। चाचा चाचा, ये सब चाचा, सफर में अपना ख्याल रखिए, और जाते ही खिड़की से रुमाल अपने सीट पर फेंक करना, सीट छेक लीजिएगा, बहुत खराब लोग रहता है। रिजर्वेशन है। देखिए आपका दामाद कितना ख्याल रखता है आपके। क्या? कुछ नहीं चाचा, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए सुरेंद्र चाचा। आशीर्वाद मुंह में बड़बड़ाते रहता है। पापा, मुझे आपसे बात करनी है। क्या? बताइए बताइए बताइए, पापा से बताइए, पापा से बताइए। थोड़ा पर्सनल है, पीछे हटेगा? हटो पीछे पीछे। हाँ बोल बेटा, बोल। पापा मुझे अभी शादी नहीं करनी। क्यों क्यों शादी नहीं करना संतु जी? नहीं, ये शादी, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं पूछ रहा हूँ ना। क्यों पापा? कुछ सपने हैं जो मुझे पहले पूरे करने। बेटा मुझे बहुत खुशी है कि तू जहाँ काम कर रही है वहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, तेरे साथी जो तेरा तेरा कितना ख्याल रखते हैं, तुझ पे जान छिड़कते हैं, बहुत शिद्दत से छिड़कते हैं। बेटा अब मुझे तेरी कोई चिंता नहीं है,
मुझे ऐसा लग रहा है मेरे दो बेटे हैं, एक रवि और दूसरा ये चीता। कोई चिंता नहीं है मुझे। सामान अंदर रखो ना यार, ट्रेन छूट जाएगा तब रखेगा सामान इनका। चाचा निकलिए, आप निकलिए। अरे बहुत देर हो गई, टाइम है अभी। नहीं नहीं, रखना यार सामान, रखना, ट्रेन छूट जाएगा इधर। चाचा निकलिए आप। चीनी ची क्यों रहा है? निकालिए इनको, ट्रेन छूट जाएगा। चाचा सुनिए, चाचा जाइए, जाइए सुनिए, जाइए। बच्चा अपना फड़ा फड़ा जाइए, आराम से लेके जाना। अरे आज इतना सन्नाटा क्यों है? लखनऊ शहर की गलियां इतनी खाली कैसे? इस देश में जिस चीज का दीवानगी है ना मैडम सर, आज वो है। क्या कोई फिल्म रिलीज हुई है? किसकी? नहीं नहीं मैडम सर, आज क्रिकेट मैच है ना, तो आज सब अपने घरों की टीवी से एकदम चिपके हुए हैं, इसलिए कोई है नहीं। देखो एकदम सन्नाटा है। ओ हाँ, आज तो वो MS वर्सेस सम्राट कोहली का मैच है, हम भूल ही गए, स्कोर लगाइए। एक मिनट, हम क्रिकेट के फैन के साथ बैठे और हमें पता नहीं है? आपको पसंद है, ये लीजिए लगा देते हैं। लक्ष्य मुश्किल नहीं तो आसान भी नहीं है चोपड़ा साहब। मनजीत सिंह की धुआंधार 45 बॉल में 65 रन की पारी ने चेन्नई स्टार्स को एक अच्छे सम्मानजनक स्कोर पे पहुंचाया है। बिल्कुल सही, बैंगलोर मैवरिक्स के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है, पर सम्राट कोहली का रिकॉर्ड है 70% जीत चेस करने में ही हासिल की है उन्होंने। क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? अरे मैडम सर, ये भी क्या बात कर दिया आपने, एक ही बंदा जीतेगा जो है कूल कैप्टन MS करिश्मा सिंह। आप शायद भूल रही हैं, अभी अभी उन्होंने कहा कि 70% जीत हासिल की है चेस से सम्राट कोहली ने। ओहो, मतलब आपको सम्राट पसंद है? पसंद है, सम्राट कोहली तो हमारी मोहब्बत है। मोहब्बत? हमको तो लगा कि आपको MS पसंद होगा, क्या वो भी कूल कैप्टन है और आप भी कूल कैप्टन है यहाँ पे, तो इस हिसाब से तो आपको भी सम्राट कोहली पसंद आना चाहिए, क्योंकि वो भी अग्रेसिव और आप भी अग्रेसिव। But I think opposites attract. एकदम से ना ऐसे मैच देखने का इच्छा हो गया। हाँ, मन हमारा भी बहुत कर रहा है, पर अब क्या करें, पुलिस वालों के पास इतनी आजादी कहाँ होती। चलिए थाने। अरे करिश्मा सिंह, ये क्या कर रही हैं आप, गाड़ी क्यों घुमा दी? इसलिए कहा है कि आपका जो घर है वो पीछे ही पड़ता है, आप आराम से घर जाइए और चद्दर तान के मैच देखिए। थैंक यू करिश्मा सिंह, बट हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर थाने में कोई केस आ गया। हमें तो लगता है आज मुजरिम भी जो है ना वो भी मैच ही देख रहे होंगे, कोई क्राइम नहीं करेंगे वो, और कुछ हुआ भी तान संभाल लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, अब जाइए, आपको छुट्टी दिया। अच्छा, तो अब एक ऐसा SHO को छुट्टी देगी? अच्छा, तो अब एक ऐसा SHO को छुट्टी देगी? सॉरी मैडम सर। करिश्मा सिंह रिलैक्स, हम मस्ती कर रहे थे। उर्मिला के बाद से ना ये एक नया डेवलपमेंट हुआ है हमारे अंदर, हम थोड़ी मस्ती करने लगे। चलिए चलिए। वैसे थैंक यू हमें थोड़ा सा रिलीफ करने के लिए। हाँ, लेकिन अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुरंत उसका नौबत नहीं बढ़ेगा मैडम सर, आप आराम से मैच देखिए। लीजिए घर आ गया, चलिए हम निकलते हैं। मम्मी को प्यार दीजिए। बिल्कुल, आज जाकर देखेंगे मैच। और हाँ, एक और बात करिश्मा सिंह जी, जीतेगा तो सम्राट ही। सपनों में मैडम सर, आज MS का देना, आज MS जीतेंगे। ठीक है देखते हैं। कौन है? पुष्पा जी कहाँ है? पुष्पा जी, हाँ चीती का फोन आया था, उनको होटल में बुला लिया है। क्या होटल? हाँ, काहे? होटल में वो खाना खाने के लिए बुलाए, आप भी खाना खाने के लिए जाओ, तब तक हम टीवी का आनंद लेते हैं। पर दो और बचा। प्लीज रिमोट दे दो। तुम्हारे चाचा का घर है क्या ये, जो तुम मटर गश्ती करो अपने दोस्तों को बुला के यहाँ पे? क्या चल रहा है ये सब? हाँ, ये थाना है समझे, और थाना आज हमारे कंट्रोल में है, और जब चीजें हमारे कंट्रोल में होती है तो पता है ना क्या होता है। एकदम ताबड़तोड़। हाँ, और शुरुआत तुम दोनों से, उससे पहले तुम दोनों कटो अभी के अभी।
ए बिलवा स्कोर बताना, स्कोर बताना कितना हुआ, कौन जीता? अरे बाप रे, जैन मैडम सर। जैन करिश्मा सिंह, कोई केस आया है क्या? नहीं नहीं मैडम सर, कोई केस नहीं आया। आपको एक छुट्टी मिली, आप उसमें भी इतना काम के बारे में सोच रही। आप आराम से चैन से मैच देखिए मैडम सर, मजे कीजिए आप। हाँ अच्छा ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी हो तो हमें बताइए, हम 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। मैडम मैडम मैडम, का एक मिनट भी का हो गया, का मैडम जल्दी से बाहर चलिए। का है तुम्हारा बारात आ गया है क्या? अरे मैडम बारात ही समझिए क्या है, दरअसल पुष्पा जो ना गाड़ी भरकर मुजरिम लेकर आई है। क्या मैडम सर, हम आपको कॉल करते हैं ठीक है। क्या करिश्मा सिंह? अरे